मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। महाराष्ट्र के नासिक और पालघर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नासिक जिले में सुबह 4 बजे भूकंप के झटके ने लोगों को डरा दिया है। इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। इसके अलावा भूकंप के झटके पालघर में भी महसूस किए गए हैं। खसरे की बीमारी लगातार ही बढ़ते जा रही है। मुंबई, ठाणे, भिवंडी, नासिक, मालेगांव में खसरे की बीमारी जो है लगातार बढ़ रही है। मुंबई में खसरे की वजह से अब तक 11 मौत हुई है, जबकि 200 से भी ज़्यादा संक्रमित केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्कूल बस बेकाबू हो गई और इसके चपेट में एक 14 साल का लड़का आ गया, जिसकी मौत हो गई है। बस अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों से टकरा भी गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल से छिंदवाड़ा जाने वाली इंदौर भोपाल मेमो ट्रेन में आज आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रेन के 2 डब्बे जलकर राख हो गए हैं। तीसरा डब्बा भी आग की वजह से जल गया है, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि आउटर पर ये ट्रेन खड़ी होने की वजह से ये ट्रेन खाली थी और आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। मुंबई के एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुंबई की ही रहने वाली एक महिला ने मध्य प्रदेश के भोपाल के नगर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराई। ये महिला इतनी डरी हुई थी कि खुद को कमरे में बंद कर लिया और डायल 100 पर पुलिस को जानकारी देकर पुलिस को बुलाया।